धार जिले के गंधवानी थाना क्षेत्र के ग्राम बलवारी भूतियापुरा में बदमाशों ने एक 70 वर्षीय महिला की हत्या कर उसके दो बेटों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मनावर SDOP करण सिंह रावत, थाना प्रभारी जयराज सोलंकी फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे। SDOP करण सिंह रावत ने बताया कि मेड़ के विवाद को लेकर ग्राम भूतियापुरा में रहने वाली जंगली बाई की जाम सिंह और उसके साथियों ने लकड़ी एवं खराला से पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं अपनी मां को बचाने आए बेटे भुरला और वेलू को भी पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल वेलू को बड़वानी रेफर किया गया व दूसरे बेटे भुरला को गंधवानी के चिकित्सालय में भर्ती किया। गंधवानी पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। करके मार दिया। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम इंदर सिंह। क्या हुआ था? ये रात में चिल्ला इनको मारिया। अच्छा, तो चिल्ला के दौड़ के गई ओईडी मेरी। हाँ। जेड जी दौड़ो मारपीट कर रही है यहाँ पे, उधर से मैं दौड़ा, फिर माइको जान सीध खत्म। कौन था कुछ पता है? है कौन था? अभी उसको देखा नहीं, तब क्या भग गया वो। मुझे भी रात्रि में फोन प्राप्त हुआ, तत्काल मौके पे पहुंचा, घटना देखी। घटना के ग्रामवासियों ने बताया कि जंगली भाई के घर में कोई 3 अज्ञात बदमाश आए और मारपीट की, जिसमें 3 लोग घायल हुए और जंगली भाई की चोट ज़्यादा लगने से मृत्यु हो गई। वहाँ पूछताछ करने पर पता चला कि जंगली भाई के परिवार का पड़ोसी जाम सिंह से विवाद हुआ था, जो कि आपस में रिश्तेदार थी। शेड़े की मेड़ को लेकर विवाद हुआ था, उसी पर से जाम सिंह ने ये उस समय धमकी दी थी कि मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हें कुछ ही दिनों में निपटा दूंगा। इसी बात पर उसको लेकर लोगों ने शंका की है कि जाम सिंह ने ही ये षड्यंत्र करके अपराध घटित कराया है। इस संबंध में जांच चल रही है, विवेचना उपरांत जो भी आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाए। सब जानकारी में ये आया था कि ये जो है लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया, इस तरीके का कोई षड्यंत्र बनाया गया? ये इस प्रकार का षड्यंत्र जरूर रचा गया, लेकिन वो अपराध जो हत्या का है, इंटेंशन उसका हत्या का इंटेंशन था, वो हत्या की।